डियर स्टूडेंट्स, आज से मैं नीट 2018 के लिए एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने जा रहा हूँ कि नीट के लिए चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या है, कहाँ से आपका नीट में ज़्यादा क्वेश्चन स्ट्राइक कर रहा है। तो लास्ट प्रीवियस 15 ईयर का जो एक्सपीरियंस मुझे भी दिख रहा है कि 15 ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चन का पैटर्न हो रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए मैंने एक सीरीज तैयार किया और बहुत बेहतरीन सीरीज तैयार किया, शायद आपको रिविजन करने में बहुत हेल्प करेगा। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको जरूर से जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा। कम से कम आप 500 से ज्यादा लाइक मुझे दीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आपको देने के लिए तैयार हो जाऊं। और एक और बात, आप मुझे इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो कीजिएगा, मैं आपको अपडेट करता रहूंगा कि कौन सा वीडियो किस दिन आने जा रहा है। तो स्टार्ट कर रहा हूं आज का लेक्चर। मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग डिस्कस करने जा रहा हूँ। केमिकल बॉन्डिंग से ईच एंड एवरी ईयर अगर आप देखेंगे तो 3 to 4 क्वेश्चन होता है, कभी कभी इससे ज्यादा भी क्वेश्चन बनाता है केमिकल बॉन्डिंग से। तो बात है कि केमिकल बॉन्डिंग में सर किस किस टॉपिक से नीट में ज्यादा क्वेश्चन बनेगा। जनरली 3 टॉपिक जहां से केमिकल बॉन्डिंग में ज्यादा क्वेश्चन बनाता है, एक डाइपोल मोमेंट, इससे भी ज्यादा क्वेश्चन बनेगा आपका हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर, और नेक्स्ट कंडीशन जो आपका बनेगा वो बनेगा बॉन्ड ऑर्डर, जहां से आप पढ़ते थे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो ये 3 पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो केमिकल बॉन्डिंग में मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आता है। अब क्वेश्चन मार्क है कि सर क्या क्या क्वेश्चन बनेगा, यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा समझना। फर्स्ट कंडीशन बोल रहा हूं डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट को मैं म्यू से डिनोट करूंगा, ये म्यू से लिख रहा हूं कंडीशन। मैं डाइपोल मोमेंट के क्वेश्चन पे आने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट डाइपोल मोमेंट का बता देना चाहता हूं। अगर आप डाइपोल मोमेंट देखेंगे तो डाइपोल मोमेंट एग्जैक्टली क्या कंडीशन शो करता है, डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। थोड़ा शॉर्ट में मैं आपको कंडीशन बता रहा हूं ताकि आप क्विकली इसको रिवाइज कर सकें। डाइपोल मोमेंट कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेक्टर क्वांटिटी होगा तो डायरेक्शन भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा। तो मैं आपको डायरेक्शन की बात कर रहा हूं। और एक और कंडीशन के साथ डाइपोल मोमेंट पढ़ते हैं, क्यों डाइपोल मोमेंट क्या है, सब लोग निकालते हैं पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल कि मॉलिक्यूल पोलर होगा या नॉन पोलर। सो हम लोग पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल को चेक करते हैं कि गिवन मॉलिक्यूल पोलर और नॉन पोलर। क्लियर। सेकेंड थिंग, यहां से डाइपोल मोमेंट के हेल्प से हम लोग डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट क्या होना चाहिए। अगर आप डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट की बात करेंगे तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो होता है वो फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। एटम लिख रहा हूं, फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। और सेकेंड कंडीशन है फ्रॉम सेंट्रल एटम टू लोन पेयर, फ्रॉम सेंट्रल एटम टू लोन पेयर, सेंट्रल एटम टू लॉन्ग पेयर। क्लियर। तो दो ध्यान रखना आपको दो बातें कि डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट ऑलवेज फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और फ्रॉम सेंट्रल एटम टू लॉन्ग पेयर। अब मैं आ रहा हूं क्वेश्चन पे। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे तो यहीं से क्वेश्चन अराइज होगा, क्वेश्चन क्या क्या बनेगा। जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आपको 4 एग्जाम्पल दे देगा और बोलेगा कि इनमें से कौन सा जो है वो परमानेंट डाइपोल है। लिखेगा विच ऑफ द फॉलोइंग है परमानेंट डाइपोल, ऐसा क्वेश्चन लिखेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following have permanent dipole, permanent dipole, ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। अगर ऐसा नहीं क्वेश्चन दिखता है तो इसी क्वेश्चन का दूसरा फॉर्मेट पूछेगा, आपको 4 एग्जाम्पल देके पूछेगा कि इनमें से कौन सा मोस्ट पोलर है, which of the following is more polar, ऐसा लिखेगा। which of the following, which of the following is मोर पोलर, ऐसा आपको कंडीशन दिखाई देगा। मान लो ऑप्शन आपके पास इस तरह का केस लिखता है, एक ऑप्शन लिख रहा है आपके पास NH3, एक कंडीशन लिख रहा है NF3, ऐसा केस दिया हुआ है, एक आपके पास कंडीशन लिख रहा है CO2 और एक लिख रहा हूं कंडीशन ये BF2, इस तरह का एक एग्जांपल आपके पास दिया हुआ है, बोल रहा है इनमें से मोर पोलर कौन है। कैसे हम पोलैरिटी को चेक करेंगे, क्या तरीका होगा। ध्यान रहे नीट में लगभग हर एक साल, ईच एंड एवरी ईयर की मैं बात कर रहा हूं, यहां से केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन बनता ही बनता है। और डाइपोल मोमेंट को भी अगर आप देखेंगे तो अगर 21 साल का गैप में हर एक साल लगभग ये भी अल्टरनेट ईयर पे क्वेश्चन दिखाई देता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं मैं आपको सब डिस्कस करते जाऊंगा धीरे धीरे। अब पोलैरिटी चेक करना है कि कौन सा मोर पोलर है या परमानेंट डाइपोल है। अगर आप NH3 की बात करोगे, NH3 की अगर आप बात करेंगे तो NH3 का कंडीशन ये है, NH3 आपके पास और ये लोन पेयर का कंडीशन है। NF3 अगर आप देखते हो तो NF3 का कंडीशन ये दिखेगा आपके पास और ये लोन पेयर है। CO2 का स्ट्रक्चर आप देखते थे तो लीनियर स्ट्रक्चर होता है CO2 का, और BF2 का भी स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो BF2 का भी स्ट्रक्चर आपको लीनियर दिखाई देगा।
अब यहां केस क्या है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट ऑलवेज फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब फ्रॉम सेंट्रल एटम टू क्या लिखेंगे, लॉन्ग पेयर, ये सेंट्रल एटम टू लॉन्ग पेयर, यहां भी नाइट्रोजन में सेंट्रल एटम टू लॉन्ग पेयर, लेकिन ध्यान रहे नाइट्रोजन और फ्लोरीन में फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर, फ्रॉम लेस टू मोर और फ्रॉम लेस टू मोर, फ्रॉम लेस टू मोर, फ्रॉम लेस टू मोर, ये फ्रॉम लेस टू मोर और फ्रॉम लेस टू मोर। यहां देखेंगे तो ये अपोजिट वेक्टर है, अपोजिट वेक्टर क्या होंगे, सब्सट्रैक्ट होंगे, तो नेट डाइपोल मोमेंट का वैल्यू जो होगा वो ऑलवेज यहाँ जीरो आएगा, और यहाँ भी नेट डाइपोल मोमेंट का वैल्यू आएगा जीरो, अगर जीरो होगा तो वो तो पोलर है ही नहीं, सबसे पहली कंडीशन वो नॉन पोलर है। अब परमानेंट डाइपोल की तरह ये दोनों बिहेव करेंगे, ये तो पता चल गया। अगर क्वेश्चन में आपको पूछता है कि इनमें से कौन सा परमानेंट डाइपोल है, तो आपके पास तीन ऑप्शन ऐसा होगा, जो नॉन पोलर होगा, रेड पोलर होगा, तो जो पोलर होगा वो परमानेंट डाइपोल होगा। अगर पूछता है कि इनमें से कौन सा जो मोर पोलर है, तो ये भी पोलर है, ये भी पोलर, अब इनमें देखना है मोर पोलर कौन सा है। अगर मोर पोलर देखना है, कैसे चेक करूंगा मैं मोर पोलर को, बहुत इंपॉर्टेंट बात देखना जरा ध्यान से आप, ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ये यहां देखो आप डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन सबका अपवर्ड चल रहा है, लेकिन यहां थ्री चल रहा है डाउनवर्ड और एक चल रहा है अपवर्ड, तो अगर यहां देखेंगे तो चारों के चारों वेक्टर सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में होगा तो एडिटिव वेक्टर होगा, और यहां पे तीन वेक्टर एडिटिव है लेकिन वन सब्सट्रैक्टिव है, तो यहां चार वेक्टर एडिटिव है, तो नेट डाइपोल मोमेंट इसका क्या होगा, ज्यादा होगा, और इसका नेट डाइपोल मोमेंट थोड़ा इससे कम होगा, क्योंकि तीन एडिटिव और एक सब्सट्रैक्टिव है, तो अगर नेट डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा तो पोलैरिटी इसका ज्यादा होगा, सो आंसर क्या मिलेगा, NH3। तो एक पैटर्न आपके पास डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के ऊपर क्वेश्चन बनता दिखेगा। जैसे मैं क्या बोलने जा रहा हूं, यहां से और भी एग्जांपल पूछेगा, कोई जरूरी नहीं आपको NH3 पूछे, NH3 पूछे, आपके पास बोलेगा कंडीशन, आपको चेक करना है, बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, लिखेगा XF4 जो है वो नॉन पोलर है, इस तरह का केस देगा, SF4 जो है वो पोलर है, तो आप कैसे पहचानोगे, मान लो इस तरह का केस लिखता है आपके पास, यह है SF4 है, SF4 की पोलैरिटी चेक करना है कि गिवन मॉलिक्यूल पोलर और नॉन पोलर, राइट, यही ऑप्शन को हटा के मान लो कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, तो मैं आपको थोड़ा सा सिखा रहा हूं कंडीशन की कैसे आप इसको प्रिडिक्ट करोगे कि गिवन मॉलिक्यूल पोलर होगा या नॉन पोलर होगा, बहुत आसान है। कैसे, देखो SF4 निकालना है, तो ये सल्फर है, ये फ्लोरिन है, ये फ्लोरिन है, ये फ्लोरिन है, ये फ्लोरिन है, थोड़ा आप सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन के बारे में SF4 में देखना, अगर आप देखोगे सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो एक दो तीन चार सिग्मा चार बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर 5 है ना, 5 मतलब sp3, और ये क्या केस बनेगा, डी, और अगर sp3d का केस बना तो इसका शेप क्या होना चाहिए, sp3 का होगा कंडीशन इस तरह से, ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का केस बनता है sp3 में, तो ये s है, लेकिन एक लोन पेयर है, तो लोन पेयर को रख देंगे कहां पे, इक्विटोरियल पोजीशन पे, अब यहां पे कंडीशन बन रहा है f f f, और ये f, जरा देखना पोलर होना चाहिए या नॉन पोलर, जरा मैं चेक करके बता रहा हूं आपको। अगर आप यहां देखोगे तो सल्फर और फ्लोरीन में फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर, फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर, फ्रॉम लेस टू मोर और फ्रॉम लेस टू मोर, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे अपोजिट वेक्टर, लेकिन इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर कुछ ना कुछ तो होगा, और ये सेंट्रल एटम टू लोन पेयर, आप सोचेंगे सर ये भी तो कैंसिल होगा, नहीं होगा, ये लोन पेयर का वेक्टर है, ये बॉन्ड पेयर का वेक्टर है, इसका डाइपोल मोमेंट जो है वो इसके रिस्पेक्ट में ज्यादा होगा, और अगर ज्यादा होगा तो नेट डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, और अगर जीरो नहीं होगा तो मॉलिक्यूल मस्ट बी पोलर, यहां पे कंडीशन अगर आप देखोगे तो ये मॉलिक्यूल कैसा होगा, नेट डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब मॉलिक्यूल पोलर होगा, बराबर। अब केस बनता है कि जैसे पूछेगा एग्जांपल के रूप में, मान लो इसी में एक ऑप्शन हटा के कर दिया XeF4, आपको देखना है कि पोलर है या नॉन पोलर है, तो अगर XeF4 की बात मैं कर लेता हूं, XeF4 ये Xe जिन्होंने इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले ग्राफ स्ट्रक्चर आप डायग्राम बनाने की कोशिश करो, ये 2, 4, 6 और ये 8, ये फ्लोरीन 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 और ये फ्लोरीन, ये सिंगल बॉन्ड है, इस तरह से दो लोन पेयर दिख रहा है, चार बॉन्ड पेयर मतलब 6 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, तो हाइब्रिडाइजेशन बनेगा sp3 और ये d2 और sp3 d2, मतलब स्क्वायर बाइपिरामिडल ऑक्टाहेड्रल जिसको आप बोलते हैं, तो एग्जैक्टली इस तरह का केस बनेगा ये, और दो लोन पेयर है तो दो लोन पेयर इसको रखते हैं यहां पे दो लोन पेयर, अब ये जीनॉन, ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन का कंडीशन, अब जीनॉन और फ्लोरीन में फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट फ्रॉम लेस टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट फ्रॉम लेस टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट फ्रॉम लेस टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट फ्रॉम लेस टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट जो होगा
उस सेंट्रल एटम से लोन पेयर की तरफ, सेंट्रल एटम से लोन पेयर की तरफ, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों अपोजिट वेक्टर कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों अपोजिट वेक्टर कैंसिल हो जाएंगे, तो नेट डाइपोल मोमेंट जो आपको दिखाई दे रहा है वो कितना दिख रहा है, जीरो। और अगर जीरो हुआ तो ये कंडीशन बनेगा नॉन पोलर, मतलब ये परमानेंट डाइपोल की तरह बिहेव नहीं करेगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बनता दिखाई देगा आइसो स्ट्रक्चरल, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बोल रहा हूं, आइसो स्ट्रक्चरल, आइसो स्ट्रक्चरल के ऊपर क्वेश्चन दिखाई देगा। कैसे दिखेगा, लिखेगा कि मॉलिक्यूल इज आइसो स्ट्रक्चरल विद, मान लो कोई एग्जांपल ले लिया कि मॉलिक्यूल इज आइसो स्ट्रक्चरल विद H2O2, बोल रहा है कि मॉलिक्यूल आइसो स्ट्रक्चरल है किसके साथ, H2O2 के साथ। कौन सा इनमें से मॉलिक्यूल जो है वो आइसो स्ट्रक्चरल शो करेगा H2O2 के साथ, मान लो ऑप्शन आपको ऐसा दे दिया C2H2, एक ऑप्शन दे दिया आपके पास, एक ऑप्शन दे दिया मान लो आपके पास C2F2 ऑप्शन दे दिया, एक ऑप्शन आपके पास मान लो दे दिया कि H2F2 ये दे दिया, और एक कंडीशन आपके पास ऐसा दे दिया हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, इस तरह का मान लो कि आपके पास कोई केस दिया होगा, और बोल रहा है कि इनमें से कौन सा आइसो स्ट्रक्चरल है किसका, H2O2। आइसो स्ट्रक्चर मतलब सिमिलर स्ट्रक्चर, अब इनमें देखना पड़ेगा, अगर आप C2H2 का केस देखते हो, यह है C2H2 हाइड्रोजन मोनोवेलेंट, मोनोवेलेंट कार्बन टेट्रावेलेंट, ये 1 2 3 4 टेट्रावेलेंट, तो यहां आप देखोगे तो एक सिग्मा दो सिग्मा, दो सिग्मा मतलब SPR, SP होगा तो ये लिनियर शेप दिखेगा, लिनियर दिखाई देगा। सिमिलरली अगर आप CF2 का कंडीशन देखोगे तो CF2 का केस आपको इस तरह से दिख रहा है, यहां भी सेम एक सिग्मा दो SP है, लिनियर है ये भी से, तो ये दोनों एक दूसरे का आइसो स्ट्रक्चरल है, लेकिन क्या ये H2O2 का आइसो स्ट्रक्चरल है क्या, ये देखना पड़ेगा, नहीं है। क्यों बोल रहा हूं, अगर आप H2O2 का स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करोगे तो परऑक्साइड है, परऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन ब्रिज है, और यह हाइड्रोजन और यह हाइड्रोजन, आप सोच रहे हो ऐसा क्यों बनाया आपने, एग्जैक्टली यहां से इस तरह का कैसे, दो बॉन्ड पेयर है दो लोन पेयर है, दो बॉन्ड पेयर और दो लोन पेयर, मतलब ये 4 है कंडीशन, और 4 है तो sp3 का केस है, आप दो लोन पेयर रख दो यहां पे, और इसको देखो अब इस लोन पेयर को हटा दो, केवल ये कैसा दिखेगा एंगुलर शेप, ये एंगुलर शेप दिख रहा है, यहां भी सेम कंडीशन है, यहां से देखो आप ये एंगुलर शेप दिख रहा है, तो इसलिए H2O2 का स्ट्रक्चर ऐसा दिख रहा है, इसको बोलते हैं हाफ ओपन बुक लाइक, हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। अब कंडीशन इधर आओ, H2F2 देखने की कोशिश करते हैं, H2F2 बना किससे, दो HF मॉलिक्यूल के कंबाइन करने से H2F2, और हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में तो हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहां तो किसी तरह का कोई कोवेलेंट बॉन्ड है ही। अब H2O2 पे आओ, H2O2 तो सेम कंडीशन है, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता, ऑप्शन ऐसा हो सकता है O2F2 कर देते हैं ऑप्शन को O2F2, अगर आप O2F2 देखोगे तो ये है ऑक्सीजन परऑक्साइड, ये फ्लोरीन परऑक्साइड का केस है, अगर ये परऑक्साइड का केस होगा तो यहां भी कंडीशन आप देखो, ये ऑक्सीजन है, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, सेम केस यहां भी आ रहा है, और सेम आएगा तो सिमिलर स्ट्रक्चर दिखाई देगा, और हाइब्रिडाइजेशन भी सेम होगा, हाइब्रिडाइजेशन भी आप देखो यहां पे दो बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, मतलब ये भी sp3 आएगा, ये भी sp3 आएगा, सिमिलरली यहां भी था sp3 और ये भी sp3, तो अगर हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो और स्ट्रक्चर भी सेम हो तो ऐसे मॉलिक्यूल को बोलते हैं आइसो स्ट्रक्चरल। ध्यान रहे बहुत बार क्वेश्चन आ रखा है, 4 to 5 times क्वेश्चन रिपीटेड है, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको बनेगा कि इनमें से कौन सा किसी एक कंपाउंड दे देगा, बोलेगा उसका आइसो स्ट्रक्चरल है, तो आइसो स्ट्रक्चर में हाइब्रिडाइजेशन भी सेम होना चाहिए और बोल रहा हूं स्ट्रक्चर भी क्या होना चाहिए सेम। तो आपको एक कॉमन बात बता रहा हूं, जैसे आप देख रहे हो O2F2, H2O2, या एक और एग्जांपल आपको बता रहा हूं, क्योंकि हो सकता है ऐसा भी एक ऑप्शन हो H2S2, अगर आप H2S2 देखोगे तो यहां भी देख लो आप, ये सल्फर है और ये हाइड्रोजन है, यहां भी सेम कंडीशन बनता है, सेम लोन पेयर है, सेम स्ट्रक्चर बनता है, हाइब्रिडाइजेशन सेम बनता है, और ये भी हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है, सो अगर ये भी ऑप्शन रहता तो ये भी ऑप्शन दिखाई दे सकता है कि ये भी आइसो स्ट्रक्चर है किसके, H2O2 का, राइट। नेक्स्ट केस क्या बोल रहा हूं, एक क्वेश्चन आपको दिखेगा यहां से परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर के ऊपर, 2006 नीट में क्वेश्चन बना हुआ था ऑलरेडी पीपीटी के अंदर, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर के ऊपर अगर क्वेश्चन बनता है तो आप कैसे इसको सॉल्व करोगे ये समझो, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर निकालने का तरीका क्या है, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर निकालने का तरीका है एक्सपेरिमेंटल डाइपोल मोमेंट अपॉन थ्योरेटिकल डाइपोल मोमेंट, लिख रहा हूं म्यू एक्सपेरिमेंटल अपॉन म्यू थ्योरेटिकल और मल्टीप्लाई बाय 100। अब क्वेश्चन है सर कैसे पता चलेगा, एक्सपेरिमेंटल वाला म्यू एक्सपेरिमेंटल का जो डाटा होगा
म्यू एक्सपेरिमेंटल का डाटा आपके पास ऑलवेज गिवन होगा क्वेश्चन में, ये गिवन होगा, केवल म्यू थ्योरेटिकल निकालना पड़ेगा। और म्यू थ्योरेटिकल डाइपोल मोमेंट निकालने का तरीका वो चार्ज इनटू उनके बीच का सेपरेशन क्यू इनटू डी, इससे निकालेंगे। आपको चार्ज दिया रहेगा और सेपरेशन दिया होगा, डिस्टेंस दिया होगा, जैसे एच एक्स बॉन्ड के बीच का डिस्टेंस दिया रहेगा, चार्ज दिया रहेगा, कंडीशन यहां से आप निकाल लेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर निकल जाएगा कि कितना परसेंट उसमें आयनिक कैरेक्टर है। तो एक क्वेश्चन आपको इसमें दिखाई देगा। एक डाइपोल मोमेंट से और केस बता रहा हूं, सीस और टांस का कंपैरिजन पूछता है कि डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा हो सकता है, स्टेटमेंट के रूप में दे देगा या बोलेगा कि इनमें से किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है। जैसे मैं लिख रहा हूं सीस टू ब्यूटेन, ऐसा लिख रहा हूं सीस टू ब्यूटेन, ये लिख रहा हूं, और एक लिख रहा हूं ट्रांस टू ब्यूटेन। पहले सीस टू ब्यूटेन देखते हैं एंड ट्रांस टू ब्यूटेन, यह है ट्रांस टू और ब्यूटेन, ये केस बन रहा है आपके पास। सीस टू ब्यूटेन का केस अगर आप देखोगे, ये कार्बन है, ये दिख रहा है आपके पास, और सीस होगा तो सिमिलर ग्रुप जो है वो सेम साइड होने चाहिए, सिमिलर ग्रुप सेम साइड अगर दिखेगा तो ये सीस है और अपोजिट दिखेगा तो ये ट्रांस है। जैसे ये लिख रहा हूं सी एच और डबल बॉन्ड और सी और ये एच और ये सी एच थ्री, ये ट्रांस है। अब यहां डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कैसे डिसाइड होगा, क्वेश्चन यही बहुत आसानी से डिसाइड होगा, देखना ध्यान से। अगर आप इसको देखते हो तो एक सिग्मा दो और एक तीन और एक फाइव, तीन सिग्मा मतलब एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन। अगर आप इस सी एच थ्री को आप ओपन करोगे, सी एच थ्री को अगर ओपन करते हो तो आप इसको लिख सकते हो इस तरह से, सी एच थ्री एक सिग्मा दो सिग्मा तीन सिग्मा और चार मतलब एसपी थ्री हाइब्रिडाइजेशन। अब एसपी थ्री में एस का कैरेक्टर कितना है 25% और एसपी टू में एस का कैरेक्टर कितना है 33.33%। तो एग्जैक्टली एस कैरेक्टर यहां ज्यादा है ना, एस कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज्यादा होगा, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन कंपैरिजन टू दिस कार्बन ज्यादा होगा। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका ज्यादा हुआ तो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर, फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर, सी एच की पोलैरिटी लगभग सेम। अब यहां देखो आप फिर से सेम कंडीशन, ये sp2 है, ये क्या sp3 है, s कैरेक्टर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डालता है तो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट फ्रॉम लेस टू मोर और फ्रॉम लेस टू मोर, क्लियर है। यहां दोनों वेक्टर नीचे आ रहे हैं, यहां एक नीचे चल रहा है एक ऊपर चल रहा है, ऑपोजिट चल रहा है, ऑपोजिट चलेगा तो सब्सट्रैक्ट होगा, नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा जीरो, जबकि यहां नेट डाइपोल मोमेंट जो है वो जीरो नहीं होगा। अगर यहां नेट डाइपोल मोमेंट जीरो हुआ तो ये नॉन पोलर होगा और ये पोलर होगा, सो आप बोल सकते हैं कि सिस का डाइपोल मोमेंट ट्रांस का ट्रांस से ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बनेगा डाइपोल मोमेंट का कंपैरिजन ऑर्थो मेटा और पैरा कंपाउंड में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बनता है जिसमें यहां रिलेट कर रहा हूं। डाइपोल मोमेंट ऑर्थो पैरा और मेटा, अगर आप कंपाउंड देखते हो इस तरह का कंपाउंड है, ये कंपाउंड ले रहा हूं, यहां पे दो ग्रुप हमने छोड़ दिया मान लो सीएल और एसीएल, ये ऑर्थो दिख रहा है ओवरऑल पोजिशन। एक कंपाउंड आपके पास इस तरह का दिख रहा है, ये दिख रहा है कंपाउंड और ये मेटा कंडीशन है, और एक लिख रहा हूं यह सीएल और एसीएल ऑपोजिट एंड पे दिख रहे हैं पैरा पोजिशन, ये मेटा पोजिशन। आपसे क्वेश्चन में पूछेगा करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट क्या होना चाहिए, अगर करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट पूछता है नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट कैसे सोच सकते हो आप, सोचो डाइपोल मोमेंट में आपको एक सिंपल बात बता रहा हूं, एक सिंपल कॉन्सेप्ट अभी आपको ध्यान रखना है, मैं बहुत डीपली के लिए जा रहा हूं। अगर आपको डाइपोल मोमेंट निकालना है तो डाइपोल मोमेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल, बस ये केस अभी आप ध्यान रखेंगे इसी से आपका आंसर मिलेगा। यहां अगर आप देखते हो तो बॉन्ड एंगल 60 डिग्री का है, 60 डिग्री, यहां अगर आप देखेंगे तो ये बॉन्ड एंगल आपको 120 का दिख रहा है और यहां देखेंगे तो बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का दिख रहा है, तो बॉन्ड एंगल ज्यादा है ना, तो जिसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा उसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा कम, और जिसका बॉन्ड एंगल कम उसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा, सो करेक्ट ऑर्डर इसका ज्यादा, बॉन्ड एंगल कम तो इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा, सो ऑर्थो का सबसे ज्यादा, देन बेटा और देन पैरा, क्लियर है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद कर रहा हूं कि डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन जो भी आएंगे वो मैक्सिमम इसी में आएंगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम इसी में आएंगे। सिर्फ दो बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है, एक बहुत 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 आपके पास एक सुपर ट्रिक्स मैं बता के जा रहा हूं, इस कंडीशन को आप ध्यान रखें क्योंकि जनरली कंफ्यूजन होता है, आपको बता रहा हूं। अगर आपको बॉन्ड की पोलैरिटी बोले
तो आप डेल्टा एल चेक करना। क्वेश्चन में बॉन्ड पोलारिटी अगर पूछता है, लिखेगा कि इनमें से कौन सा मोर पोलर बॉन्ड है जिसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा हो सकता है। मोर पोलर बॉन्ड जैसे लिखता है इस तरह से NF, NCl, NBr और Ni, ऐसा केस लिखता है। तो आपको यहां पे डेल्टा एल निकाल के देखना है, जिसका डेल्टा एल ज्यादा उसकी पोलारिटी क्या होगी, ज्यादा। तो अगर बॉन्ड पोलारिटी देखना आपको, तो आपको डेल्टा एल से देखना है, चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। लेकिन अगर मॉलिक्यूल की पोलारिटी देखना है कि कौन सा मॉलिक्यूल मोर पोलर है, तो अगर जब भी आप मॉलिक्यूल की पोलारिटी देखेंगे, तो इस केस में आपको डाइपोल मोमेंट देखना है। तो आप कंफ्यूज बिल्कुल ना करें, आज के बाद ध्यान रहे कि अगर बॉन्ड की पोलारिटी हमें देखना है, पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज मोर पोलर, तो उस केस में आपको डेल्टा एल देखना है दोनों बॉन्ड के बीच में, दोनों एटम के बीच में। और अगर पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज मोर पोलर, तो आपको डाइपोल मोमेंट से डिसाइड करना है। दिमाग में इस बात को जरूर रखिएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब तो करेंगे ही करेंगे, और नीचे कमेंट जरूर करें। अगर आपका किसी भी तरह का कोई सुझाव मेरे लिए हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।